ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसका दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से शुरू होगा। भारतीय क्रिकेट टीम इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे मुकाबले के लिए भारत की प्लेइंग 11 में अचानक बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ दिग्गज खिलाड़ी अचानक टीम से बाहर हो चुके हैं, तो उनकी जगह पर कुछ नए खिलाड़ियों की एंट्री हो रही है। और जी हाँ, जरूरी भी है, क्योंकि जो खराब खेल रहे हैं उन्हें बाहर दिखाना होगा और नए खिलाड़ियों को शामिल करना होगा। और कप्तान रोहित शर्मा ने जिसकी तस्वीर भी साफ कर दी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया की क्या रहेगी प्लेइंग 11, कप्तान रोहित शर्मा ने क्या करी है इसको लेकर तस्वीर साफ। जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपकी हम एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपको क्या लगता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया जगह बना पाएगी भी या नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। तो जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 4 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 17 फरवरी से दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। और इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, और जिसकी वजह से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी काफी ज्यादा उथल पुथल नजर आ रही है। लेकिन इससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 की तस्वीर को साफ कर दिया है और बता दिया है कि किन खिलाड़ियों को इस टीम में मौका मिलेगा और कौन से खिलाड़ी बाहर होंगे, जिसमें कुछ दिग्गज खिलाड़ी है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं भारत की पूरी प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा का इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है। खैर, रोहित शर्मा ने पिछले कुछ मुकाबलों में टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले टेस्ट मुकाबले में शतक लगाकर आ रहे हैं, अपनी कप्तानी में शानदार फॉर्म और लय पकड़ चुके हैं, और जिसकी वजह से कह सकते हैं कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा के बल्ले से बहुत बड़ी दारमदारी दिखानी होगी, भारत को एक अच्छी शुरुआत दिलानी होगी। जैसा पहले टेस्ट मुकाबले में किया वैसे ही, यानी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में वैसा ही कुछ करके दिखाना होगा। और बतौर कप्तानी भी बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, गेंदबाजी यूनिट को बहुत अच्छे से चलाते हैं, पिच के अकॉर्डिंग खिलाड़ियों को खिलवाना ये खिलाड़ी जानता है। तो कुल मिलाकर अब रोहित शर्मा आपको ओपनिंग पेयर में बल्लेबाज के तौर पर भी विस्फोटक शुरुआत दिलाते हुए नजर आने वाले हैं। इनके साथ में अब बहुत बड़ा बदलाव है, शुभमन गिल की एंट्री होने वाली है। शुभमन गिल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है, इसमें कोई दोहराय नहीं है, और पिछले कुछ मुकाबलों में जो इन्होंने चाहे T20 हो या फिर वनडे फॉर्मेट अपनी बल्लेबाजी का नमूना पेश कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इनसे बेंच क्रम करवाई जाए तो फिर ये इनके साथ अन्याय होगा। और इसके ऊपर से केएल राहुल की जो फॉर्म है और जो लय इन्होंने पकड़ी है केएल राहुल ने, वो बहुत ही खराब है। केएल राहुल अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूरी है कि शुभमन गिल को उनकी जगह पर खिलाया जाए और केएल राहुल को बाहर बैठाया जाए। शुभमन गिल अगर रोहित शर्मा के साथ में मिल जाएंगे तो फिर टीम इंडिया के लिए एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार होगा जो वाकई में हैरानी करने वाला होगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी आक्रामक रवैये के साथ में आगे बढ़ेंगे, दोनों ही खिलाड़ी इनफॉर्म है, तो ऑस्ट्रेलिया तो यहीं पर ध्वस्त हो जाएगी ओपनिंग पेयर के अंदर ही। कुल मिलाकर अब रोहित ने भी साफ किया है दूसरे टेस्ट मुकाबले में आपको ये बदलाव नजर आएगा। तीसरे पायदान पर बात करते हैं तो नाम चेतेश्वर पुजारा का आता है, टीम इंडिया की दीवार जिसे कहा जाता है। हालांकि पहले टेस्ट मुकाबले में अपने बल्ले से कुछ खास कमाल का प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो अपने एक विकेट को एक छोर को संभाल कर रखने की काबिलियत जानता है। इन्होंने पिछले कुछ टेस्ट मुकाबलों में अपने बल्ले से शतक लगाया है, एक बहुत बड़ी पारी भी खेली है, कॉन्फिडेंस इनका सातवें आसमान पर है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपने बल्ले से अब योगदान देना होगा। इन 3 बचे हुए मुकाबलों में बल्ले से अपना ताकत दिखाना होगा चेतेश्वर पुजारा को। तीसरे पायदान पर नाम इनका तय है, चौथे पायदान पर विराट कोहली का नाम तय है। हालांकि टेस्ट मुकाबलों में इनका बल्ला वैसा नहीं बोल रहा है जैसा T20 और वनडे में बोला था। उम्मीद है कि अब जो दिल्ली में टेस्ट खेला जाएगा वहां पर विराट कोहली के बल्ले से एक शतक निकल कर आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का बल्ला आग उगले, हम ऐसा ही सोचते हैं। अपने घरेलू सरजमी पर तो विराट कोहली का बल्ला और भी आक्रामक नजर आता है। चौथे पायदान पर टीम इंडिया
ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी खिलाड़ी की जरूरत है, जो जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल कर रखे, तो जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खासी मैच विनिंग नॉक निकाल कर आए। विराट कोहली अब टीम इंडिया के लिए दारमदारी पेश करेंगे। चौथे पायदान पर टीम इंडिया के रन मशीन ही नजर आने वाले हैं। पांचवें पायदान पर एक और बहुत बड़ा बदलाव, और वो है श्रेयस अय्यर के रूप में। जी हां, श्रेयस अय्यर फिट हो चुके हैं और अब उनका टीम इंडिया में ऑफिशियली स्क्वाड में नाम आ चुका है। इसका मतलब यही हुआ कि पांचवें पायदान पर आपको श्रेयस अय्यर ही नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव का पत्ता कट जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने पहले टेस्ट मुकाबले में मौका मिला तो फिर अपने बल्लेबाजी से वो नमूना नहीं पेश किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि सूर्या अग्रेशन के साथ में खेल सकते हैं, लेकिन वनडे और टेस्ट में इनका बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया है। और अब तो श्रेयस अय्यर के आ जाने से चूंकि इनकी जगह ये पक्की है श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर भी थोड़ा तेज और आक्रामक खेल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए श्रेयस अय्यर आपको पांचवें पायदान पर नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर ने पिछले कुछ समय से ये दिखाया है कि आखिर वो क्यों टेस्ट में इतने अच्छे बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। बल्ले से रन निकले हैं, टीम इंडिया के लिए मैच विनिंग नॉक निकाल कर लेके आए हैं। इसलिए पांचवें पायदान पर अब आपको श्रेयस अय्यर ही नजर आने वाले हैं। सिक्स्थ पोजीशन पर नाम के एस भरत का आ जाएगा। के एस भरत विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुत बड़े खिलाड़ी बनकर उभर रहे हैं। विकेटकीपिंग में अपने पहले टेस्ट मुकाबले में प्रभावित किया है, लेकिन बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। उम्मीद करते हैं कि वापसी करेंगे और दूसरे टेस्ट मुकाबले में अच्छा खेल दिखाने वाले हैं। सातवें पायदान की बात करें तो नाम रविंद्र जडेजा का आ जाएगा। पहले टेस्ट मुकाबले में एक हाफ सेंचुरी, 5 विकेट का एक गुच्छा निकाल कर लेके आए हैं। रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर टीम इंडिया के लिए एक ऑलराउंड पैकेज दिया है। इसीलिए रविंद्र जडेजा की अहमियत और बढ़ जाती है टीम इंडिया के स्क्वाड में। रविंद्र जडेजा ने कहा कि इंडियन टीम ने मुझे बहुत मिस किया है, शायद इसीलिए कि जो पहले टेस्ट मुकाबले में इन्होंने प्रदर्शन किया उसी के लिए। इसीलिए ये सातवें पायदान पर आपको नजर आते हैं। बात करते हैं 8th पोजीशन की, तो नाम रविंद्र चंद्र अश्विन का आता है। रविंद्र चंद्र अश्विन बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। अश्विन ने अपनी गेंदबाजी का नमूना पहले टेस्ट मुकाबले की दूसरी इनिंग में पेश किया, जहां 5 विकेटों का गुच्छा इन्होंने भी लिया है। लेकिन इसके साथ में रविचंद्र अश्विन आपको बल्लेबाजी करके देते हैं। जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए अपने बल्ले से योगदान देकर जो टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए रविचंद्र अश्विन बहुत ही कमाल के खिलाड़ी हैं। और इनके साथ में आगे 9th पोजीशन पर नाम, चूंकि ये पिच भी स्पिन डिपार्टमेंट को मदद करेगी, इसलिए 3 स्पिन डिपार्टमेंट के साथ में जाएंगे तो अक्षर पटेल का नाम आ जाता है। अक्षर पटेल बहुत ही कमाल के खिलाड़ी है। स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास जडेजा और रविचंद्र अश्विन जब आपके पास पहले से ही है तो आपको अक्षर पटेल की जरूरत से कम पड़ती है, लेकिन एज स्पिन डिपार्टमेंट और उसके साथ में अगर बात करें तो जो अक्षर पटेल है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी से महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वो उन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में करके दिखाया। टीम इंडिया की बढ़त जो हालांकि रही थी 100-150 के आसपास होगी, वहां बढ़त उन्होंने 250 के आसपास करी। अपने 80 से ज्यादा रन की बल्लेबाजी करके ये नमूना पेश किया था। अब बात करते हैं 2 तेज गेंदबाजों की, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि तेज गेंदबाजी आक्रमण में पहला नाम तो मोहम्मद सिराज का ही आएगा। तेज गेंदबाजी से ये बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नई गेंद से विकेट चटकाने की काबिलियत इनके पास में है, आक्रामक रवैया लेकर आते हैं और बल्लेबाजों को परेशान करने का काम ये करते हैं। टीम इंडिया के लिए बेस्ट बॉलर बनकर आए हैं और इनके साथ में नाम मोहम्मद समी का आएगा। मोहम्मद समी भी कमाल के खिलाड़ी है, फ्लैट पिच पर विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। मोहम्मद समी ने जो पिछले कुछ समय से अपना नमूना पेश किया है वो काबिल तारीफ है। कुल मिलाकर ये 11 खिलाड़ी हमारी नजर में, हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग 11, लेकिन इन सबके बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं, क्या बदलाव होने चाहिए और क्या नहीं, कमेंट में बताएं।